लड़की एक्ट्रेस बनने के सपने को लेकर न्यूयॉर्क से भारत आई थी, लेकिन करियर बनाते बनाते उन्हें एक ऐसे एक्टर से प्यार हो गया जिनका बचपन से ही विवादों से नाता रहा था। ड्रग्स और लड़कियां उनकी कमजोरी हुआ करती थी। इस एक्ट्रेस से पहले भी वो एक्टर कई लड़कियों को डेट कर चुका था। विसल हमको भी बजाने आती है। फिर भी इस एक्ट्रेस ने अपने सपने को पूरा करने से ज्यादा अपने प्यार को महत्व दिया और उन्होंने उस एक्टर से शादी करके अपना घर बसा लिया। लेकिन कुछ ही समय बाद इस एक्ट्रेस को ब्रेन ट्यूमर हो गया और दोनों की लव स्टोरी को ब्रेक लग गया। यही फूल दे रही हूँ, किसी और को दिया है कभी? बोलो, जो मैं तुम्हारे लिए सोचती हूँ किसी और के लिए नहीं। फिर इस एक्टर का अपने को स्टार एक्ट्रेस के साथ लिंकअप की खबरें आने लगी और उनकी शादी में इतनी कड़वाहट आ गई कि दोनों ने एक दूसरे से अलग होना ही बेहतर समझा। इसी दौरान इस एक्टर को अवैध हथियार रखने के आरोप में जेल भी जाना पड़ा और फिर दोनों का तलाक हो गया। लेकिन अपनी बीमारी और तलाक के कारण ये एक्ट्रेस डिप्रेशन में चली गई और मात्र 32 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। थैंक यू अंकल, मुझे खुशी है कि आपने खुद अपने पवित्र हाथों से हमारी शादी करवाई। एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने वाले इस कपल के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण इनके रिश्ते में कड़वाहट आ गई और इनको तलाक लेना पड़ा और जिसके कारण इस एक्ट्रेस की जान ही चली गई। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति बात कर रही हूँ संजय दत्त की पहली पत्नी और एक्ट्रेस ऋचा शर्मा की, जो महज 32 साल की उम्र में ब्रेन कैंसर की वजह से दुनिया छोड़कर चली गई। इस वीडियो में ऋचा शर्मा के प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के साथ ही ऋचा शर्मा और संजय दत्त के रिश्ते के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, ऋचा शर्मा का जन्म 6 अगस्त 1963 को न्यूयॉर्क में हुआ था और उनकी पढ़ाई लिखाई अमेरिका में ही हुई। स्कूल के दौरान ही ऋचा की एक्टिंग में दिलचस्पी होने लगी और वो नाटकों में लीड रोल करने लगी। एक्टिंग से ऋचा को इस कदर प्यार हो गया कि एक दिन अपने परिवार की इजाजत लेकर वो अमेरिका से बॉम्बे आ गई और सीधे देवानंद साहब से मिलने उनके ऑफिस चली गई। मैं वो दोस्त से मिलने जा रही हूँ। अरे बेटी, इतने दिन तो तू बाहर गुजार कर आई है, अब जरा घर में अपने डैडी के। लेकिन उस समय ऋचा महज 14 साल की थी, इसीलिए देव साहब ने ऋचा से कहा कि बेटा तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम पहले अपनी पढ़ाई खत्म करो, मैं तुम्हारा नंबर लिख कर रख लूंगा, तुम भी मेरा नंबर नोट कर लो, जब तुम्हारे लिए कोई काम होगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। इसके बाद ऋचा वापस अमेरिका चली गई। लगभग 7 साल बाद ऋचा के घर पर भारत से एक फोन कॉल आया। इत्तेफाक से फोन ऋचा ने ही उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं देवानंद बोल रहा हूँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक रोल है, क्या तुम अब भी फिल्मों में काम करने में इंटरेस्टेड हो? उन दिनों ऋचा अमेरिका के एक कॉलेज में आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन देवानंद का ऑफर मिलते ही ऋचा अपनी पढ़ाई छोड़कर मुंबई आ गई। देव साहब ने अपनी फिल्म हम नौजवान में ऋचा को कास्ट कर लिया। ये फिल्म 1985 में रिलीज हुई थी। उस जमाने में मीडिया में ऋचा को लेकर खूब चर्चा हुई। मीडिया ऋचा को देव साहब की नई खोज बता रहा था। ऋचा की तुलना जीना तमान और टीना मुनीम से होने लगी, जिन्हें देव साहब ने ही पहला ब्रेक दिया था। हम नौजवान तो बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन ऋचा को बड़े बैनर्स की फिल्में जरूर ऑफर होने लगी। '86 में ऋचा अनुभव फिल्म में दिखी, जिसमें उनके अपोजिट शेखर सुमन थे। इसी साल वो अनिल कपूर के अपोजिट फिल्म इंसाफ की आवाज में नजर आई। 1987 में ऋचा फिल्म सड़क छाप में दिखी और फिर इसी साल वो अपने करियर की 5वीं और आखिरी फिल्म आग ही आग में नजर आई। '87 में इसी फिल्म के दौरान मुंबई के स्टी रॉक होटल में ऋचा की मुलाकात संजय दत्त से हुई। ऋचा के लुक्स संजय दत्त को बहुत ही अट्रैक्टिव लगे और पहली ही नजर में संजय दत्त ऋचा को अपना दिल दे बैठे। ऋचा के जाने के बाद संजय दत्त ने उनके बारे में काफी खोजबीन की। किसी तरह संजय दत्त को ऋचा का नंबर मिल ही गया।
एक दिन संजय ने अपने ऋचा को फोन किया और अपने साथ डेट पर जाने के लिए पूछा। ऋचा ने संजय को हाँ कह दिया। इसके बाद तो संजय और ऋचा अक्सर मिलने लगे। मुलाकातों का ये सिलसिला जल्दी ही प्यार में बदल गया। हालांकि ऋचा से पहले संजय कई लड़कियों को डेट कर चुके थे, लेकिन ऋचा उन्हें औरों से अलग लगी। ऋचा की सिंप्लिसिटी संजय को बहुत पसंद आई। संजय को लगने लगा कि वो ऋचा के बिना नहीं रह पाएंगे। एक दिन संजय ने ऋचा को शादी के लिए प्रपोज कर दिया, लेकिन साथ ही ये भी शर्त रख दी कि शादी के बाद ऋचा को अपना एक्टिंग करियर छोड़ना पड़ेगा। संजय को दिल से चाहने वाली ऋचा ने उनकी ये शर्त भी मान ली, लेकिन अभी भी ऋचा के पेरेंट्स की मंजूरी मिलना बाकी था। संजय ऋचा से शादी करने के लिए इतने ज्यादा उतावले थे कि उन्हें साथ लेकर वो अमेरिका उनके माता पिता से मिलने चले गए। वहाँ संजय ने ऋचा के माता पिता से बात की और उनसे उनकी लड़की का हाथ मांगा। चूंकि नशे की लत के कारण संजय दत्त काफी बदनाम थे, तो ऋचा के माता पिता थोड़े परेशान थे। लेकिन जब संजय ने बताया कि वो अपना इलाज करा चुके हैं और अब उन्हें नशे की आदत नहीं है, तो ऋचा के माता पिता ने आखिरकार शादी की परमिशन दे ही दी। अक्टूबर 1987 को 28 साल के संजय और 24 साल की ऋचा की शादी हो गई। इस शादी में दोनों परिवारों के बहुत ही खास लोगों ने शिरकत की। शादी की रस्मों के दौरान संजय के बराबर में उनकी मां नरगिस दत्त की फोटो रखी रही। संजय की शादी से सबसे ज्यादा खुश उनके पिता सुनील दत्त थे। आखिर विवादित जीवन के बाद बेटा अपना वैवाहिक जीवन सेटल कर रहा था। दत्त साहब को बहू के रूप में ऋचा बेहद पसंद आई। ऋचा से शादी के बाद संजय दत्त अपनी जिंदगी से बेहद खुश थे। शादी के करीब 10 साल बाद ही 10 अगस्त 1988 को ऋचा ने एक बेटी को जन्म दिया। दत्त परिवार ने बेटी का नाम रखा त्रिशला दत्त। संजय को लग रहा था कि उन्हें अपनी जिंदगी से हर वो खुशी मिल गई है जो उन्हें चाहिए थी। लेकिन शादी के करीब 1.5 साल बाद ही संजय और ऋचा की इस खुशी को नजर लग गई। त्रिशला उस वक्त 4 महीने की थी जब ऋचा को पहली बार सिर में भयंकर दर्द हुआ। उसके बाद दर्द का यह सिलसिला चलता ही रहा। शुरू में किसी ने भी ऋचा के सिर में होने वाले इस दर्द को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन कुछ महीनों बाद जब संजय और ऋचा के एक रिश्तेदार यहाँ दिल्ली आए हुए थे, तो अचानक ऋचा की तबीयत खराब हो गई। ऋचा ने डॉक्टर से मिलने का मन बनाया। चूंकि संजय को शूटिंग के लिए मुंबई निकलना था, तो ऋचा को रिश्तेदार के पास छोड़कर वो मुंबई जाने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए। संजय दिल्ली एयरपोर्ट पर बैठे थे कि तभी अनाउंसर ने उनका नाम लेकर कहा कि उनके लिए एक अर्जेंट कॉल है। हैरान संजय ने वो कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ वो डॉक्टर थे जो ऋचा का चेकअप कर रहे थे। डॉक्टर ने संजय दत्त से कहा कि वो अपनी मुंबई की टिकट कैंसिल कर दें और तुरंत उनके क्लिनिक आएं। संजय ने डॉक्टर से ऋचा के बारे में पूछा तो उन्होंने कुछ भी फोन पर बताने से इनकार कर दिया। मजबूर संजय को डॉक्टर के क्लिनिक पर जाना ही पड़ा। क्लिनिक पहुंचकर संजय ने देखा कि ऋचा के सिर की MRI हो रही है। डॉक्टर ने बताया कि ऋचा को ब्रेन ट्यूमर है। ऋचा के ब्रेन ट्यूमर की खबर जैसे ही दत्त परिवार और शर्मा परिवार को मिली, ऋचा को तुरंत इलाज के लिए अमेरिका लाया गया। अमेरिका में ऋचा को कीमोथेरेपी के कई सेशन से गुजरना पड़ा। 3 बार ऋचा की ब्रेन सर्जरी भी हुई। इस दौरान संजय दत्त कभी अमेरिका में रहते और कभी वो शूटिंग के चलते भारत में होते। इस दौरान मीडिया में संजय दत्त और माधुरी दीक्षित के अफेयर की खबरों ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया। ये अफवाह भी उड़ी कि संजय ऋचा को तलाक देकर माधुरी दीक्षित से शादी करना चाहते हैं। ये खबरें जब बहुत ज्यादा बढ़ गईं, तो ऋचा से रहा नहीं गया और वो संजय से मिलने अमेरिका से मुंबई आ गईं। लेकिन जब ऋचा मुंबई वापस आई, तब भी संजय दत्त ने उन्हें कोई खास तवज्जो नहीं दी। और इतना ही नहीं, संजय दत्त अपनी जिंदगी में इस कदर व्यस्त हो गए थे कि वो अपनी बीमार पत्नी और बेटी त्रिशला को एयरपोर्ट से पिक करने भी नहीं आए। ऋचा ने पूरे 2 घंटे तक मुंबई एयरपोर्ट पर संजय दत्त का इंतजार किया। इस बात का जिक्र यासिर उस्मान की किताब द क्रेजी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बॉलीवुड बैड बॉय संजय दत्त से है। ऋचा शर्मा पहले ही कैंसर से जंग लड़ रही थी और ऐसे में संजय दत्त का ये रवैया उन्हें अंदर ही अंदर और भी ज्यादा तोड़ गया। टूटा दिल लेकर ऋचा अपनी बेटी त्रिशला के साथ अपने माता पिता के पास अमेरिका वापस लौट गई। फिर संजय दत्त और ऋचा के रिश्ते में कभी वो पहले जैसी ताजगी ना आई। ऋचा और संजय ने अलग होने का फैसला कर लिया और तलाक के लिए अर्जी दे दी। ऋचा की सेहत पर इस घटना का भी बहुत बुरा असर पड़ा। ऋचा अंदर तक टूट गई और महज 32 साल की उम्र में ही कैंसर की जंग हारने के बाद 10 दिसंबर 1996 को इस दुनिया को छोड़कर चली गई और पीछे अपनी बेटी त्रिशला को छोड़ गई। ऋचा और संजय की बेटी त्रिशला अपने नाना नानी के पास ही रहती है। बताया तो ये जाता है कि संजय दत्त और ऋचा के माता पिता के बीच त्रिशला की कस्टडी को लेकर विवाद हुआ था।
मगर सच ये है कि ऋचा के माता पिता की गुजारिश पर संजय दत्त ने बिना किसी ऑब्जेक्शन के बेटी त्रिशला की जिम्मेदारी उनको सौंप दी थी। पहली पत्नी ऋचा के निधन के 2 साल बाद संजय दत्त ने साल 1998 में रिया पिल्लई से दूसरी शादी कर ली। कहा जाता है कि संजय रिया से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी ये शादी भी कामयाब न हो सकी। साल 2005 में दोनों अलग हो गए। इसके बाद 2008 में संजय दत्त ने मान्यता दत्त से शादी कर ली। दोनों साथ हैं और बेहद खुश भी हैं। संजय और मान्यता के 2 बच्चे हैं, जिनका नाम शहरान दत्त और इकरा दत्त है। आज संजय अपनी पहली बेटी त्रिशला दत्त के साथ एक बेहद ही खूबसूरत रिश्ता शेयर करते हैं। हालांकि कुछ साल पहले संजय दत्त के लंग कैंसर से पीड़ित होने की खबर सामने आई थी, लेकिन इलाज के बाद वे ठीक होकर फिर से सामान्य जिंदगी जी रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि संजय दत्त का बचपन से ही विवादों से गहरा नाता रहा है। ड्रग्स, लड़कियां एक समय में संजय दत्त की कमजोरी हुआ करती थीं। संजय दत्त खुद इस बात को मान चुके हैं कि उनका संबंध 300 से भी ज्यादा लड़कियों के साथ था। इतना ही नहीं, उनका नाम अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ भी जुड़ा था। संजय दत्त की जिंदगी के ऊपर बनी फिल्म संजू में उनके सफर को रणवीर कपूर ने बखूबी पर्दे पर उतारा है। फिल्म में दिखाया गया है कि सभी मुश्किलों को झेलते हुए कैसे संजय दत्त अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। हालांकि फिल्म में उनकी पहली पत्नी ऋचा शर्मा का जिक्र कहीं नहीं था। ऐसे में लोगों ने इसे लेकर भी सवाल खड़े किए। तो दोस्तों, आप ऋचा शर्मा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके पास ऋचा शर्मा से जुड़ी कोई और जानकारी है तो अवश्य साझा करें। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक